Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत जबरदस्त न्यूज शेयर करने वाली हूँ। जी जनाब, तो वियतनाम ट्रैवल करना होगा बहुत ही आसान विदाउट अ वीजा। काफी लोग मुझे डीएम्स करते रहते हैं कि वियतनाम का हमें इनविटेशन लेटर नहीं मिल रहा, हम वियतनाम ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज है कि वियतनाम ट्रैवल करना हो गया है बहुत ही आसान। कहाँ, कैसे, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वरना बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल की आप मिस कर देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ रिसर्च कर रही थी वियतनाम के हवाले से, तो मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आई। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड, वियतनामीज फ्रेंड के साथ भी ये चीज कन्फर्म की है, और ये कन्फर्म होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या अगर आप वियतनाम वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जिनसे इनविटेशन मंगवा रहे हैं तो आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो वियतनाम में एक आइलैंड है फुकोक के नाम से। फुकोक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन वियतनाम, जहाँ आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं होता है। अलबत्त अगर आप किसी दूसरे सिटी वियतनाम के ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर वीजा लेना होगा, मीन्स आपको इनविटेशन लेटर मंगवाना होगा, और उस इनविटेशन लेटर के बेसिस पर आप ऑन अराइवल ग्रीन पासपोर्ट पर वीजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फुकोक ट्रैवल कर रहे हैं तो फुकोक ट्रैवल करने के लिए आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप विदाउट अ वीजा ट्रैवल कर सकते हैं फुकोक। पर शर्त यह है कि फुकोक जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट लेनी होगी, मीन्स आप पाकिस्तान से ट्रैवल तो नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। लेकिन अगर आप थाईलैंड में हैं, कोरिया में है, जापान में है, ऐसी कंट्री में है जहां से आपको फुकोक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है, तो आप विदाउट अ वीजा ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेके। फुकोक आपको देता है 30 डेज का स्टे। शर्त पर वही है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास राउंड ट्रिप होना चाहिए, मीन्स थाईलैंड से फुकोक, फुकोक से थाईलैंड। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थाईलैंड से आप फुकोक जा रहे हैं और फुकोक से फिर आपने मलेशिया का प्लान बना दिया है, तो आप मलेशिया जाके और फिर मलेशिया से आप पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस तरह का भी प्लान आप कर सकते हैं। फुकोक एक बहुत बड़ा आइलैंड है, बहुत कुछ करने को है। अगर आप रिसर्च करें थिंग्स टू डू इन फुकोक आइलैंड तो आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। इंशाल्लाह कभी मेरा भी प्लान बना दोबारा से थाईलैंड ट्रैवल करने का तो मैं फुकोक जाऊंगी जरूर, और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी फुकोक का। लेकिन ये मेरे सामने एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। ऐसी बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।